आज हेमकुंड साहिब के लिए यात्रियों का पहला जत्था रवाना होगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी रवाना करेंगे पहले जत्थे को। करीब 2000 से ज्यादा तीर्थ यात्री ऋषिकेश से रवाना होंगे। 20 बसें होने वाली हैं इस पहले जत्थे में। 11 बजे तीर्थ यात्रियों को हेमकुंड साहिब के लिए रवाना किया जाएगा। और हमारे सहयोगी विनोद कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। विनोद, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? और जैसे कि हमने देखा कि बर्फबारी वहां पर बहुत ज्यादा है, तो चुनौतियां भी बहुत बड़ी होंगी बर्फबारी की वजह से। यात्रा की शुरुआत होने वाली है और आज पहले जत्थे को ऋषिकेश से राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रवाना करेंगे। 11 बजे ये जत्था यहाँ से ऋषिकेश गुरुद्वारे से रवाना हो जाएगी, जिसकी पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि करीब 2000 तीर्थयात्रियों को, यानी जो पहले जत्था होगा उसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल उत्तराखंड के गुरमीत सिंह इस ऋषिकेश गुरुद्वारे से रवाना करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि पूरी तैयारियां यहां पर की जा रही है। हर गोविंद फौजी बैंड के माध्यम से यहां प्रस्तुति दी जा रही है और जो भी यहां पर तीर्थयात्री आ रहे हैं उनके सम्मान में ये बैंड यहां पर रखा गया है, इसकी प्रस्तुति यहां पर होगी। और साफ तौर पर जिस तरह से चाहे पंच प्यारे हो या कीर्तन डोली हो, उसको यहाँ से जत्थे को रवाना यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह यहाँ से करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर 20 मई से जिस तरह से हेमकुंड साहिब के कपाट खुल रहे हैं, आज ये पहला जत्था जिसमें करीब 2000 से ज़्यादा तीर्थयात्री ऋषिकेश से रवाना होंगे। पहला पड़ाव उनका ऋषिकेश है, दूसरा पड़ाव उनका गोविंद घाट है और गोविंद घाट से करीब 13 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, उसको पार करके हेमकुंड साहिब के दरबार में जाना होता है। 20 मई से जिसकी विधिवत रूप से शुरुआत हो रही है। आप देख पा रहे हैं कि ऋषिकेश के इस गुरुद्वारे को भी भव्य तरीके से सजाया गया है। लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया, चुनौतियां भी काफ़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि 10 फीट से ज़्यादा ऐसी बर्फ है जो यात्रा मार्ग पर है और जो हेमकुंड साहिब का दरबार है वहाँ पर करीब 12 फीट अभी बर्फ जमी हुई है, जिसको जिला प्रशासन के माध्यम से हटाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर चुनौती यहां पर देखने को मिल रही है। जिस तरह से चमोली के जिला प्रशासन के माध्यम से ये अपील की गई है कि चाहे छोटे बच्चे हों या फिर बूढ़े बुजुर्ग लोग हों, उनको यात्रा वो करने से बचे, उनसे परहेज करें निश्चित तौर पर, क्योंकि मौसम की दुश्वारियाँ वहाँ पर देखने को मिल सकती है, तमाम दिक्कतें लोगों के सामने वहाँ पर देखने को मिल सकती है, जिसके चलते चमोली जिला प्रशासन ने ये श्रद्धालुओं से अपील की है। लेकिन उत्साह भी बहुत है लोगों में। पहले जत्थे में बताया जा रहा है कि 20 बसें शामिल है, तो ऐसे में उत्साह भी बहुत देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के। और हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए सरकार और शासन स्तर पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई। तीर्थ यात्रियों के ठहरने, खाने पीने और स्वास्थ्य से जुड़े तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम सुविधाएं मौजूद रहने वाली। तो पहला जत्था रवाना होने वाला है। तैयारियों को दुरुस्त करने की कवायद काफी दिनों से जारी है। बर्फबारी यहाँ पर एक बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो गई थी, लेकिन बर्फ को हटाकर यहाँ पर रास्ता बनाया गया है। और ऐसे में आपको बता दें कि तीर्थ यात्रियों के लिए जो बेसिक सुविधाएं हैं, ठहरने, खाने पीने और स्वास्थ्य से जुड़े तमाम इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ खुद स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम सुविधाएं मौजूद रहने की बात कही। हेमकुंड साहिब के लिए जो जो व्यवस्था होनी, जैसे केदारनाथ में जितनी व्यवस्थाएं उससे ज्यादा हम कर रहे हैं और MRP जो है हर जगह 2-2, 3-3 किलोमीटर पे बना रहे हैं। भारत सरकार ने भी इस बार हमको पर्याप्त पैसा दिया है इस समय और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वहाँ कोई दिक्कत नहीं। चार धाम पे जगह जगह टीमें तैनात हैं जो लोगों की ट्रेनिंग कर रहे हैं और 55 साल से ऊपर की कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति की ट्रेनिंग हो जाए और उन्हें एडवाइस, जिसमें हाई रिस्क केसेज हैं उनको एडवाइस कर रहे हैं। तो कुछ 35 लोगों ने एडवाइस मानते हुए अपनी यात्रा रोकी है। हम ये चाहेंगे कि लोग अपने गंतव्य स्थान से जहाँ से आएँ वहाँ से अपना पूरा चेकअप करके और डॉक्टर से एडवाइस लेके ही यात्रा पे आएँ और हम ये चाहेंगे कि सभी की यात्रा सुखद हो और सभी के लोग घर। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने हंगामा किया है। हरिद्वार की खबर है, अनुबंधित कंपनी कासा ग्रीन पर सैलरी न देने का आरोप लगा है। गुस्साए सफाई कर्मचारियों ने आत्मदाह की कोशिश की है। कई महीनों से नहीं मिला सफाई कर्मियों का वेतन, तो अनुबंधित कंपनी कासा ग्रीन पर
सैलरी ना देने का आरोप है, जिसके चलते जो गुस्साए सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने आत्मदाह की यहां पर कोशिश की है और उनका आरोप है कि कई महीनों से यहां पर सफाई कर्मियों को वेतन नहीं मिला है और इसी के चलते नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का हंगामा देखने को मिला है। गुस्साए सफाई कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन भी किया है, साथ ही साथ आत्मदाह की कोशिश की थी। ये देखिए नारे लगाए जा रहे हैं, नगर निगम के ये सफाई कर्मचारी हैं जिन्होंने जमकर हंगामा किया है और देखिए किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं और देखिए तीर छिड़क कर खुद पर आत्मदाह की कोशिश भी यहाँ पर की गई है। उनका आरोप है कि कई महीनों से इन्हें वेतन नहीं दिया गया, जिसके चलते जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, सड़क जाम की गई है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर सफाई कर्मचारी मौजूद है। देखिए दो तस्वीरें आत्मदाह की कोशिश तेल छिड़क कर की जा रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से सफाई कर्मचारियों का हंगामा देखने को मिला है, नारेबाजी की गई है, बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी है नगर निगम के। हमारे सहयोगी रोहित शिकोला हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। रोहित क्या कुछ है ये पूरा मामला? मैं बताना चाहूंगा कि नगर पालिका हरिद्वार ने सफाई कर्मचारी ने कंपनी को ठेका दिया हुआ था और कंपनी द्वारा कुछ लोग मजदूर की तरह सफाई कर्मचारी लगा रखे थे, उनका कई महीने का भुगतान नहीं किया जा रहा था, जिसको लेकर कर्मचारियों ने एक कर्मचारी ने कल आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसको लेकर जिला प्रशासन सख्त है और इस मामले में जांच कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।